अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन है, फेस एकदम डल हो गया है, फेस पे कोई शाइन ही नहीं बची है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 7 डेज तक आपको इस फेस मास्क को यूज करना है, और 7 डेज बाद आप खुद आकर मुझे कॉमेंट में लिखेंगे कि वाह क्या अमेजिंग रेमेडी थी। सो हेलो टू माई वंडरफुल पीपल, आई एम पूजा एंड यू आर वॉचिंग ब्यूटी अत्सव। कैसे हो आप सबके सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज के वीडियो बहुत ही एक मिरिकल होने वाला है। एक ऐसा फेस मास्क आपके साथ शेयर करूंगी जिसे यूज करने के बाद आपकी स्किन भी एकदम ग्लास की तरह चमकने लगेगी। आपने कांच का ग्लास देखा है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो एकदम चमकने लग जाता है। तो फिर ग्लास स्किन क्या होती है? देखिए, ग्लास स्किन एक ऐसे स्किन होती है जिसपे जरा सी भी लाइट अगर पड़ जाए ना तो एकदम चमक जाती है, बहुत ही ज्यादा शाइन करने लग जाती है। क्या आप मेरी स्किन देख सकते हैं? मुझे तो लग रहा है शायद शाइन कर रही है, अच्छे से शाइन कर रही है, बहुत ही अच्छे से कर रही है। क्यों कर रही है? इसके पीछे का राज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। गाइज, मैंने लिया था 7 डेज चैलेंज, मैंने लिया था 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज, और इस फेस मास्क को मैं यूज कर रही हूं लास्ट 7 डेज से, और आप देखोगे कि मेरे स्किन में बहुत ज्यादा चमक आई है, बहुत स्किन का कॉम्प्लेक्शन ना बहुत ही अच्छा हो गया है। सो चलिए, विदाउट गेटिंग फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो स्टेप नंबर 1, जो कि ना तो स्टेप है बट है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेना है। आप चाहे तो हेयर बैंड लगा सकते हैं या फिर अच्छे से आपको बालों को रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपनी रेमेडी अप्लाई करेंगे तो हमारे फेस पर हमारे बाल हमें आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डन, आप मूव करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के लिए देखिए, आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। इस रेमेडी को आप ऐसे नहीं अप्लाई करेंगे कि आप कहीं बाहर से आए हैं, धूल मिट्टी से आ रहे हैं, आपके फेस पर एकदम गंदा हो रहा है और आपने आके मास्क अप्लाई कर लिया। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। सिंपल पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से अच्छे से वाइप ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम बनाएंगे मैजिकल सा मास्क। तो देखिए, इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो आपको लेना है 1 टेबल स्पून बेसन, वही बेसन जिसको आपने खाने में यूज करते हैं। उसमें ऐड करना है आपको 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर वाली भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून कर्ड, जो गाढ़ा दही होता है ना, घर का नहीं है तो बाहर का भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो गाढ़ा हो। 1 टेबल स्पून उसमें कर्ड ऐड कर देनी है, उसमें ऐड कर देना है एंड 1/2 स्पून शहद यानी कि हनी। ये चारों ही इंग्रेडिएंट आपके लिए मैजिकल है गाइज, आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की रंगत को निखारने के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए। इन चारों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, इन चारों ही इंग्रेडिएंट्स में गाइज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। हमने इसमें यूज किया है बेसन। बेसन आपकी स्किन को टाइटन अप करने के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूजन अप हो गई है, एज से पहले ही आपकी स्किन एकदम लटकने लगी है, तो उसको टाइटन अप करने के लिए बेसन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और टर्मरिक आप सभी लोग जानते हैं, हल्दी, सदियों से एशियन टाइम से ही हम हल्दी यूज करते आ रहे हैं, तो हल्दी में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन से दाग धब्बों को निकालने का काम करती है। साथ ही इसमें हमने ऐड किया है दही। दही में होता है कंप्लीटली मात्रा में लैक्टिक एसिड, जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर एंड अप, व्हाइटन अप, ब्राइटन अप करने के लिए कर्ड बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, इसमें आपके ऐड किया है हमने हनी। हनी क्या होता है? मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए हनी बहुत हेल्पफुल है। देखिए गाइज, अब विंटर्स स्टार्ट होने वाले हैं, विंटर्स में हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तो अगर इन सारे ही इंग्रेडिएंट को आप इंडिविजुअल भी यूज करेंगे, अगर आप डेली मास्क नहीं बना सकते तो आप जैसे एक एक इंग्रेडिएंट को भी अगर आप यूज करेंगे, जैसे अगर आप अपने फेस पर कर्ड ही डेली यूज करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो सिर्फ हनी यूज कर सकते हैं, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अब देखिए, जब आप इसको फेस पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पतली सी लेयर लेनी है और अच्छे से स्क्रब हल्का इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी एक मोटी सी लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है।
जब आप इसको इस तरह से जेंटली रब करेंगे ना, तो आपके फेस पर जितने भी आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो बहुत ही इजिली से मिनिमाइज हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और आपकी स्किन ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील करोगे आप इस पैक को अप्लाई करने के बाद। आपको अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक मोटी सी लेयर इस पे अप्लाई करनी है और इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। 20 मिनट तक आप इसको रखेंगे। जब आप इस पैक को निकालेंगे तो मेक श्योर कि ये पैक ना एकदम सूखना नहीं चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। जब ये सेमी ड्राई हो तब आपको इस पैक को अपने फेस पर निकाल देना है। आप आराम से इस तरह से, आप चाहें तो देखो मेरी तरह से ये हैक यूज कर सकते हैं कि आप इस पैक को निकालने के लिए ना एक स्पून का यूज कर लें। स्पून की हेल्प से आप इजिली इस पैक को रिमूव कर दें और उसके बाद अपना नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लें। अब देखिए, कुछ लोगों को ना ये लग रहा होगा कि यार ये तो इतना सिंपल से स्टेप्स हैं, इतनी सिंपल सी चीजें हैं, इनसे कैसे हमें ग्लास स्किन मिल सकती है। तो देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देने वाली हूँ कि कभी भी सिंपल चीजों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। क्योंकि अगर जब आपका पेट खराब है ना, तो आप उसमें खिचड़ी ही खाएंगे, आप बिरयानी नहीं खाएंगे पेट को सही करने के लिए। तो सेम एज आपकी स्किन पे अप्लाई होता है। नाउ मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 4। इसके बाद आपको अपने फेस पर रोज वाटर लगाना है। रोज वाटर से अपने फेस पर, जब चाहें तो कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर इस तरह से अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर, अपने पूरे फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करें। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ही आप घर से बाहर निकले। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विंटर्स में सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे सनस्क्रीन को आप जरूर से अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट गाइस, इस मास्क को अगर आप अपने हैंड्स पर लगाना चाहते हैं, अपनी नेक पर, आपके जहां भी डार्क एरियाज हैं, इस मास्क को आप वहां लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे अगर आपको दही से एलर्जी है, तो आप उसको चेंज करके उसकी जगह मिल्क का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो आप उस चीज को स्किप करके बाकियों को एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाइस, इस मास्क को कौन यूज कर सकता है। देखिए, इस मास्क को कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप मैन है, वुमेन है, बच्चे हैं, कोई भी बहुत आराम से इस मास्क को यूज कर सकता है। सो आई होप सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो का थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो करना है लाइक। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।